हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी ऑनलाइन क्लास, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर थर्ड। द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। बोथ दीज नंबर्स हैव द सेम डिजिट्स 1 एंड 3। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। जैसे कि इससे पहले हमने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो गिवन नंबर होगा वो खुद से भी डिवाइड होगा और खाली 1 से, जिसके दो ही फैक्टर हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन आपको प्राइम नंबर में, जैसे हमने 1 to 100 प्राइम नंबर फाइंड किए थे, उसमें से ऐसे पेयर आपको फाइंड करने हैं जैसे 13 एंड 31। 13 हमारे पास क्या है, 13, एंड इसका जो रिवर्स पेयर डिजिट है वो 31 है। ऐसे ही आपको और भी रिवर्स पेयर डिजिट फाइंड करने हैं। इसके बाद जैसे ये प्राइम नंबर हमारे पास 17 है, 17 प्राइम नंबर है हमारे पास, तो 17 का रिवर्स 71, 71 ऑल्सो प्राइम नंबर। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पेयर 37 प्राइम नंबर है हमारे पास, इसका रिवर्स पेयर क्या होगा, 73 ऑल्सो प्राइम नंबर। ऐसे हमारे पास है 79, इसका रिवर्स पेयर क्या होगा, 97। तो आपकी जो आंसर है ये 17 37 79, 17 का रिवर्स 71, 37 का 73 एंड 79 का 97, दैट इज आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ओड प्राइम्स 44 एंड 36। आपको 44 को किस में, कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, टू ओड प्राइम्स में, सम में। जैसे 44 आप राइट कर सकते हो 41 प्लस 3। 41 भी प्राइम नंबर है हमारे पास और 3 भी प्राइम नंबर है। 41 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रिजल्ट, 44 आएगा। ऐसे ही आप 44 को 37 प्लस 7 भी राइट कर सकते हो। 37 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। ऐसे ही आप और भी सोच सकते हो, 44 31 प्लस 13। अब देखिए 31 प्लस 13, तो भी हमारे पास जो रिजल्ट है वो 44 है। तो टू ओड प्राइम, जिस तरह देखो 41 3 ओड नंबर, 37 7 ओड नंबर, 31 3 और 13 ओड नंबर, तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस करके आंसर दे सकते हो। बी पार्ट देखिए, 36 को भी ऐसे कन्वर्ट करिए आप, टू ओड प्राइम 31 प्लस 5, 31 भी प्राइम नंबर है हमारे पास और 5 भी हमारे पास ओड प्राइम नंबर है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, प्राइम नंबर्स के ग्रुप में ओनली 2 नंबर हो वो इवन होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं, ऑड नंबर हो सकते हैं। 1 to 100 हमने डिस्कस किए थे आपसे प्राइम नंबर। आप ऐसे 36 को राइट कर सकते हो 7 प्लस 29 प्लस 7, 29 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। ऐसे ही आप 36 को राइट कर सकते हो 23 प्लस 13। देखिए 23 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 13 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास क्या है रिजल्ट, 36, दैट इज आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। आपको बताना है कि गिवन नंबर्स में से कौन कौन से नंबर प्राइम नंबर है। 23, 51, 37, 26। जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स डिस्कस किए थे, 23 प्राइम नंबर होता है हमारे पास, टू ही फैक्टर होते हैं, 23 में 23 का डिवाइड जा रहा है और 1 का जा रहा है। 51 प्राइम नंबर नहीं है, इसमें आपको देखिए 3 का भी डिवाइड जा रहा है, 17 का भी डिवाइड जा रहा है, 1 का भी डिवाइड जा रहा है और 51 से भी डिविजिबल है, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। 37 में 37 का ही डिवाइड जाता है और 1 का जाता है, तो 37 प्राइम नंबर होगा हमारे पास। 26 में देखिए 1 का भी जाएगा डिवाइड, 2 का भी जाएगा,
13 से भी डिविजिबल है ये, 26 से भी डिविजिबल है, तो उसे ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। तो जिसके हमारे पास कोई फैक्टर है इटसेल्फ एंड वन, वो हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन कौन से प्राइम नंबर है हमारे पास, प्राइम नंबर्स 23 एंड 37 आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9, राइट 7 कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। हमें 7 कॉन्स्टिट्यूटिव कंपोजिट नंबर फाइंड करने 100 से कम वाले, सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनके बीच में प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए कोई। तो हमने 1 to 100 प्राइम नंबर्स फाइंड किए हैं, तो हमारे पास 89 और 97, 89 हमारे पास प्राइम नंबर है और लास्ट नंबर 100 से कम 97 है हमारे पास प्राइम नंबर है। अब देखिए इसके बीच में 7 हम कंपोजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास 7 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स फाइंड हो गए 2 प्राइम नंबर 89 एंड 97 के बीच।